हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक क्रेडिट। दोस्तों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत पे की। तो भारत पे में कुछ अपडेट्स आए हुए हैं और देखेंगे कैसे आप भारत पे से रिचार्ज कर सकते हैं या फिर बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत पे का अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। जैसे ये अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एक आ गया था दोस्तों, वो सेटलमेंट वाला जो ऑफर चल रहा था वहाँ पर, तो वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ऑन टाइम सेटलमेंट वाला, इसमें कुछ चेंज कर दिया गया है। शुरू में इसको पहले आपको नेक्स्ट डे का 8 बजे तक था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है टाइमिंग। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 12 बजे दोपहर में आपका सेटल अगर हो जाता है, अगर आप सेटलमेंट आज करते हो और अगले दिन 12 बजे दोपहर तक उससे पहले अगर आपके बैंक में दिखा रहा है तब ओके है, या फिर अगर 12 बजे के बाद दिखा रहा है तब आपको उसका कंपनसेशन में 20 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो ये पहला चेंज हुआ है। और इसके बाद आप यहाँ पे रिचार्ज का नया सेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे आप रिचार्ज कर सकते हैं, कौन कौन सा पेमेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर के स्लाइड में ही, यहाँ पे लॉन्चिंग रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं मोबाइल, पोस्टपेड भी रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, गैस, वाटर। तो 6 सर्विसेज अभी यहाँ पे भारत पे ने लाया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक मोबाइल रिचार्ज करके देखते हैं क्या क्या पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है और कैसा इसका है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डाल के मैं कंटिन्यू करता हूँ एक बार। तो जैसे हम मोबाइल नंबर डालते हैं उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आ जाता है यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट करने का। ऑपरेटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सर्कल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका हो। तो यहाँ पे मैंने सर्कल भी सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है अमाउंट। तो अमाउंट में यहाँ पे आपको चूज प्लान सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पेमेंट डालने का कुछ आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि टॉपअप में जाता हूँ मैं, 10 रुपये का यहाँ पर रिचार्ज कर लेता हूँ। गेट नाउ पे कर देता हूँ क्लिक। पे नाउ यूजिंग UPI, यानी UPI का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। तो चलिए एक पेमेंट करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे पे नाउ पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाता है प्रोसेसिंग पेमेंट और नीचे आपका एप्लीकेशन आ जाता है, जितने भी आपने एप्लीकेशन रखा है। तो इसमें आपको UPI का ऑप्शन मिल रहा है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अमेज़न पे UPI से इसको रिचार्ज कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया अमेज़न पे UPI और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया भारत पे। यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा भारत पे कुछ @ICICI। तो इसको हम पेमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, अपने UPI डाल देना है। UPI डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है, देखते हैं कितने देर में अपना रिचार्ज आता है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है और यहाँ पे ऊपर से आपको मैसेज दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, रिचार्ज रिसीव कर लिया गया। तो अच्छा ही है। यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग, यहाँ पे अभी कंफर्मेशन दिख रहा है लेकिन रिचार्ज आ चुका है। पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, रिचार्ज स्टेटस भी अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का यहाँ पे नया अपडेट आया हुआ है भारत पे की तरफ से। आज के लिए बस इतना ही।